नमस्ते बच्चों एंड वेलकम वंस अगेन। आज मैथ्स प्लस की इस क्लास में हम लोग अपनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट की नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है 26-30 वो डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट डाउनलोड की होगी और अटेम्प्ट कर चुके होंगे, तो आइए उसके सॉल्यूशन आप हमारे साथ देखिए। साथ ही साथ बीच में हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की जो क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, या फिर सोचने का जो प्रोसीजर है कि कैसे हमें आईडीजेई की क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए उस बारे में। ओके, और आई होप अब तक आप लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा, और प्लीज इसे शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी जेई प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प हम कर सकें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। ओके बच्चों, तो इस बार देखिए प्रॉब्लम जो है अपनी फर्स्ट यानी कि 26 जो प्रॉब्लम है, दिस इज फ्रॉम द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट। और प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10 to the power 6 20 डिग्री माइनस 33 टाइम्स 10 to the power 4 20 डिग्री प्लस 27 टाइम 10 to the power 2 20 डिग्री। ओके, ये प्रॉब्लम है, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, और नहीं तो फिर आप मेरे साथ देखिए। देखिए मान लेते हैं बच्चों हम कि भाई ये जो थीटा है ये 20 डिग्री है, करेक्ट। और आप देखिए कि टेन थीटा टेन 20 डिग्री का वैल्यू हमें पता नहीं होता है कि वो मैं यहाँ पुट कर दो सिंप्लीफाई कर लूँ, लेकिन इसका एक मल्टीपल है जिसका वैल्यू हम जानते हैं और वो कितना है 3 थीटा। अगर मैं कर देता हूँ बच्चों तो ये बन जाएगा 60 डिग्री, एंड वी नो दैट टेन 3 थीटा हियर इट विल बिकम 10 60 डिग्री विच इज फाइनली इक्वल टू √3। ओके, नाउ इफ आई राइट टेन थीटा, 10 थीटा मीन्स 10 20 डिग्री को अगर मैं टी बोल दूं बच्चों, तो 10 3 थीटा का फार्मूला आई होप आप सबको पता होगा, 3 10 थीटा यानी 3t माइनस 10 3 थीटा यानी कि t³ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 t² दैट इज इक्वल टू √3 ऐसा मिला है मुझे। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी आप ध्यान दीजिएगी इरेशनल टर्म नहीं है, तो ये √3 को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, और इधर का जो स्क्वायर है उसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 9t², राइट, फिर इसका स्क्वायर आएगा प्लस t² और फिर आएगा माइनस 2 टाइम दिस इंटू दिस यानी कि हो जाएगा 6 टाइम t⁴। इधर इसका स्क्वायर हो गया बच्चों 3 और इसको ले आओ इधर, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस 6t⁴ एंड प्लस 9 टाइम t⁴, यहाँ t² है सॉरी। ओके, अब सब टर्म को एक तरफ कलेक्ट कर लो, आई होप आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। देखिए t⁶ तो यहाँ है ही बच्चों, t⁶ के बाद देखिए t⁴ वाली टर्म, ये रही माइनस 6 टाइम, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 27 हो गए, और इधर लेके आओगे दोनों माइनस के होंगे, 27 और 6 मिला के होंगे माइनस 33 t⁴। देखिएगा ये माइनस 18 इधर आ गया, इसमें ऐड होगा प्लस 27 t², और कुछ बचा है, ये बच गया सामने 3, और यहाँ t क्या है 10 20 डिग्री, तो ये यही एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू आपको चाहिए। डेफिनेटली इसका आंसर कितना हो गया बच्चों 3। ओके, तो ये बेहद ही आसान सा क्वेश्चन था, और अगर आपने साइन 18 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम लोग कॉस 18 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं उस आर्टिकल को किया हुआ है, तो उससे आप तुरंत समझ सकते हैं, राइट। वहां भी हम इसी तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, 18 डिग्री को थीटा मान लेकर हम, तो 5 थीटा जो 90 हो जाता है, और उसका साइन लेकर के कॉस लेकर के बाद बनाते हैं, यहाँ थीटा 20 था तो 3 थीटा 60 डिग्री हो गया, और बस उसका 10 ले लिया हमने और बात बन गई। तो चलिए इसके बाद आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इफ अल्फा लाइंग बिटवीन 0 एंड π/3, इफ अल्फा लाइंग बिटवीन 0 एंड π/3 देन अल्फा इंटू sec अल्फा इज लेस देन π/3 ग्रेटर देन π/3। ओके, कुल मिला के आपको इसकी रेंज बतानी है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। ओके, ये प्रॉब्लम देखो ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, और ये मैंने ले तो लिया, और ये मैंने इसलिए ले लिया बिकॉज जहां मैंने प्रॉब्लम देखा था इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सॉल्यूशन किया होता है, जबकि आप देखिए कि अगर हम बहुत सीधे तरीके से सोचें तो भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। यार देखो fx एक फंक्शन मान लो ऐसे x और sec अल्फा है ना, sec x, अभी तुमने y बराबर x तो देखा ही है कैसा ग्राफ होता है यू, सही है, और y बराबर sec x देखा आपने, sec x का ग्राफ 0 से π/2 तक ऐसा होता है, ये π/2 तक की कहानी है, हमें तो 0 से π/2 में डिस्कस करना है, बल्कि π/2 भी क्यों, π/3 तक ही रखना है।
तो आप देखो दोनों की वैल्यू कैसी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दोनों ग्राफ इंक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों के दोनों ग्राफ इंक्रीजिंग है तो उनका प्रोडक्ट भी इंक्रीजिंग होगा। तो डेफिनेटली ये कैसा कर्व है, ये एक इंक्रीजिंग कर्व है। अब इंक्रीजिंग है मतलब आगे बढ़ने पर वैल्यू बढ़ती है, राइट। तो जो एफ ऑफ अल्फा है, यानी अगर मैं एफ ऑफ अल्फा निकालू तो देखो अल्फा से बड़ा पावे थ्री है, तो पावे थ्री पे बड़ी वैल्यू आएगी भाई, करेक्ट। और इससे छोटी एफ ऑफ जीरो पे आएगी, जिस ऑर्डर में इनपुट बढ़ेगा उसी ऑर्डर में आउटपुट बढ़ जाएगा। तो बेटा एफ ऑफ अल्फा तो हो गया अल्फा सेक अल्फा, एफ ऑफ जीरो पुट करोगे जीरो ले जाना है, राइट। एफ ऑफ पावे थ्री आप इसमें डाल लो, सेक पावे थ्री यानी कि सेक ऑफ 60 डिग्री कितना होता है 2, और ये पाई बाय थ्री तो मिला के हो गया था वो 2π/3। तो डेफिनेटली ये वैल्यू जो है 2π/3 से छोटी होगी, तो उसका आंसर हो गया इट इज लेस देन 2π/3। ओके, 0 से 2π/3 के बीच में वेरी करेगी ये। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 कुछ इस तरह से है, द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। ओके, एक एलिप्स है हमारे पास, कुछ इस तरह का एलिप्स है। इक्वेशन दे रखी है x²/12 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। ये कह रहा है इसमें अगर अपन ऐसे ट्राइंगल बनाए कोई भी लेकर के कहीं भी तीन पॉइंट, तो उसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा। आइए देखिए कैसे हैंडल कर दें। यहाँ हम बच्चों एलिप्स का पैरामीट्रिक फॉर्म काम में लेते हैं, है ना। इस पे तीन पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं √12 cos θ, राइट, और 4 sin θ। आई होप आप सबको पता है पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे लेते हैं हम। a cos θ b sin θ, ये होती है x²a²+y²b² = 1 के लिए। तो बस ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, तीन पॉइंट लेने ना, या तो θ1 θ2 θ3 ले लो, और नहीं तो अल्फा बीटा गामा ले लो ऐसे। ये अल्फा पैरामीटर लेके आ गया, पॉइंट बी ले लिया अपन ने ऐसे √12 cos β और 4 sin β, सही है। और सी ले लिया बच्चों देखो √12 cos γ और 4 sin γ। अब इनसे जो ट्राइंगल बनेगा डेल्टा, उसका डेल्टा ए बी सी उसका एरिया कितना हो गया, तो बहुत सीधा सीधा फंडा लगाएं तो हाफ ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, क्या होता है √12 cos α 4 sin α 1, √12 cos β 4 sin β 1, एंड √12 cos γ 4 sin γ 1, सही है। ओके बच्चों, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए हाफ तो अपनी जगह है ही, यहां से कॉमन निकाल लेते हैं √12, और डिटरमिनेंट में इस कॉलम से कॉमन आ जाएगा 4, 12 के मल्टीप्लाई होंगे, √12 को 2√3 होता है, तो कुल मिला के बच्चों 8√3 एंड हाफ ऑफ cos α cos β cos γ, ठीक है, sin α sin β sin γ, ऐसा आ गया ये 1 1 1, ठीक। अब मुझे इसका मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड करना। देखो इसको ध्यान से देखो, ये जो क्वांटिटी है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि दैट इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, डेल्टा एबीसी इज इक्वल टू 8√3 टाइम डेल्टा PQR, वेयर पी पॉइंट मैंने मान लिया cos α sin α, ठीक है, क्यू मान लेता हूं cos β sin β, और आर ले लेता हूं बच्चों cos γ और sin γ। तो अगर मैं ऐसे तीन पॉइंट मान लूं तो क्या इन पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल का एरिया हो गया है, करेक्ट। और ये तीनों पॉइंट कहां पर है, ये एक सर्किल पे होंगे ऐसे, जिसका रेडियस क्या है 1, तो ये यूनिट रेडियस के सर्किल पे तीन पॉइंट हो गए ऐसे, ठीक है, तो इनसे ट्राइंगल बन गया। अब देखो ये आप आई होप जानते होंगे कि किसी भी सर्किल में जो मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल बनेगा वो कौन सा होगा, इक्विलेटरल, राइट। तो ये पक्का इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, 8√3, एंड दिस इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल में वो ट्राइंगल बनेगा जो इक्विलेटरल, उसका एरिया इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपको देगा। ओके, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, खूब लोगों ने किया होगा आप लोगों ने, कि सर्किल में अगर हम ट्राइंगल बनाए तो उसका एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब वो इक्विलेटरल होगा। तो बस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल के वहां डाल दो, वो उसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। तो कितना हो जाएगा, देखो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों, तो ये एंगल 120 डिग्री होगा ऐसे, और ये लेंथ वन है, ये लेंथ वन है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, हाफ बी सी साइन लगा दूं मैं अगर, तो हाफ बी सी और साइन 120 डिग्री
ठीक है, इसका मॉड कर लेते हैं और ऐसे तीन ट्राइंगल मिलकर ये बना है, तो थ्री टाइम दिस साइन 120 रूट थ्री बाई टू हो जाएगा, तो रूट थ्री बाई थ्री रूट थ्री बाई, तो कुल मिला के ये हो गया बच्चों 8 रूट थ्री, तो ये है ही 3 रूट थ्री बाय 2 और 2 4, तो कुल मिला के ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम 9 इंटू 2 18 हो गया ये। सो द मैक्सिमम, मतलब पूछा गया था हमसे मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा था, तो अपना आंसर हो गया बच्चों 18, मैक्सिमम एरिया पूछा था इस ट्राइंगल का। तो इस एलिप्स में जो आप मैक्सिमम एरिया वाला ट्राइंगल बना सकते हो उसका एरिया कितना होगा 18। तो यहां देखो ध्यान देने वाली बात यही है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते रहते तो कुछ खास रिजल्ट आपको मिलता नहीं और काफी टाइम टेकिंग होता, बट जैसे आपने ये कंपेयर किया कि यार ये तो यूनिट सर्किल में बनने वाला ट्राइंगल का एरिया हो गया, और यूनिट सर्किल में जो ट्राइंगल है उसका मैक्सिमम एरिया कब बनता है जब वो ट्राइंगल इक्विलेटरल हो। ओके, देखो दूसरी बात, यहां जो ट्राइंगल बनेगा एबीसी ये इक्विलेटरल नहीं होगा, है ना, ये ट्राइंगल पीक्यूआर इक्विलेटरल होगा तब मैक्सिमम एरिया आपको मिलेगा। आई होप ये पसंद आया होगा आपको जिस तरह से इसको डील किया गया है प्रॉब्लम को। नेक्स्ट जो है बच्चों, अगर बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है 29, और ये प्रॉब्लम देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज है कुछ इस तरह से, लेट ए बी बी द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ अ पॉइंट 5,5 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। चलो जी देखो ये सर्कल है बच्चों, और कौन सा सर्किल है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे, करेक्ट, और एक पॉइंट है 5,-5, एक्स कोऑर्डिनेट भी 5 और वाई कोऑर्डिनेट उसका -5, तो इधर जाके इधर ले लेते हैं कहीं, यहाँ कहीं मान लेते हैं दिस इज 5,-5। चलो वैसे रफ डायग्राम बना रहे हैं तो कहीं भी मान लो, तो सुविधा के लिए मैं इधर चिपका लेता हूँ एक, राइट, और ये पॉइंट हो गया, इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आप जानते ही हो, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉप की ऐसे, ये जहाँ मिली ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गई, ये ए बी है, ए और बी, आगे की कहानी सुनो। देन द लोकस ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पी ए बी वेयर पी बी एनी पॉइंट मूविंग ऑन द सर्कल, ये कोई पॉइंट है पी। अब ये एक ट्राइंगल बना दिया अगर हम ऐसे देखो पी ए बी हो, तो भैया इसके ऑर्थो सेंटर का लोकस निकालना है आपको। चलिए अभी निकाल देते हैं, देखो अब सुनो देखो कैसे कर रहे हैं, यहां खास बात क्या है जो आपको पता होनी चाहिए, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालोगे भाई, राइट, तो देखिए उसका फंडा क्या है, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे। रिमेंबर द कॉन्सेप्ट कि जिस ट्राइंगल में सर्कम सेंटर ओरिजिन पे हो उसका ऑर्थो सेंटर तीनों वर्टिसेस का सम होता है। ओके, इफ सर्कम सेंटर इज एट लाइज एट 0,0, राइट, देन ऑर्थो सेंटर क्या होता है, दैट इज x1+x2+x3 y1+y2+y3, दैट्स सिंपल, तीनों वर्टिसेस का सम कर लो। और ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये इस कॉन्सेप्ट से आता है भाई कि सेंट्रोइड निकाल लेंगे हम, राइट, सर्कम सेंटर पता है हमें, ऑर्थो सेंटर निकालना है, देन वी विल यूज द रिलेशन दैट सेंट्रोइड डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग सर्कम सेंटर टू ऑर्थो सेंटर इन द रेशियो 1:2, है ना, उस फंडे से आता है ये, बट आप इसको डायरेक्ट याद रखें। तो देखिए अब क्या है बच्चों कि ये तो इस सर्कल के ऊपर मानना है, तो मैं इसको ले लेता हूँ √5 cos θ और √5 sin θ, जनरल पॉइंट ले लिया मैंने, ये दोनों पॉइंट तो फिक्स है तो ये मुझे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा मैं पूरा काहे को निकालूं, इन दोनों पॉइंट को अलग अलग निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ना, इस पॉइंट की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे लिखते हैं भाई हम, t=0 से, तो इस पॉइंट के लिए इस पे t=0 लगाओ, कितना आया 5x-5y = 5, तो बड़ी आसानी से ये x-y = 1 आ गई। अब आप इसको और इस सर्किल को सॉल्व करके और भी निकाल सकते हो, देखो उसकी भी जरूरत नहीं है, कहा है और भी निकालना, मान लो कि ये x1y1 है और ये x2y2 है, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा वो निकाल लेते हैं, वो बड़ी आसानी से आ जाएगा, ओरिजिन से इस पे फूट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो, तो किसी पॉइंट से किसी लाइन पे फूट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x-α y-β = है ना, यहां पे a b और माइनस a(α+β+c)/a²+b², देखो ये फार्मूला होता है बच्चों, यहां पर लाइन मैंने क्या मान लिया ax+by+c=0, पॉइंट मान लिया अल्फा बीटा। अब अपने सवाल पे आ जाते हैं, अगर मैं यहां से कंपेयर करूं, अभी इस माइनस उनको इधर ले आओ, बराबर जीरो कर दो,
तो देखो बच्चों, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू माइनस 1 है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू 0 है, तो ये जब मैं यहाँ डाल दूंगा तो यहाँ आएगा माइनस 1 और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया बच्चों 2। तो अब आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज हाफ, y का वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज माइनस हाफ। सो दिस पॉइंट इज हाफ कॉमा माइनस हाफ, ठीक है बच्चों। अच्छा ये देखो मिड पॉइंट है ना इसका, तो ये x1 प्लस x2 बाई 2 का वैल्यू हाफ होना चाहिए, y1 प्लस y2 बाई 2 का वैल्यू माइनस हाफ होना चाहिए। तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा जिसका मुझे लोकस निकालना है? ऑर्थो सेंटर का अगर x कोऑर्डिनेट है तो वो होगा दिस x1 प्लस x2 प्लस रूट 5 cos थीटा, x1 प्लस x2 प्लस रूट 5 cos थीटा, सही है। और x1 प्लस x2 कितना हो गया, देखो इसको कंपेयर करो यहां से, तो ये 1 हो गया बच्चों, तो 1 प्लस रूट 5 cos थीटा। उसका y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 प्लस रूट 5 sin थीटा, और y1 प्लस y2 हो गया माइनस 1 प्लस रूट 5 sin थीटा। ऐसे समझ में आ गया, मैंने ये पॉइंट नहीं निकाले, मिड पॉइंट निकाल लिया, तो उससे मुझे x1 प्लस x2 बाई 2 का वैल्यू मिल गया, तो सीधे सीधे मुझे x1 प्लस x2 मिल गया, y1 प्लस y2 मिल गया, ये यहाँ पुट कर देते हैं। अब मुझे इसी पॉइंट का लोकस निकालना है, यहाँ थीटा वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में से थीटा को एलिमिनेट करके बच्चों एक्स वाई में रिलेशन निकाल लो, उसी को लोकस बोलते हैं, कि इस एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। तो थीटा को एलिमिनेट करना है, तो देखिए ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, राइट। इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, स्क्वायर करके जोड़ लिया तो 5 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये है एक्स वाई यानी कि इस ऑर्थो सेंटर का लोकस, ओके। तो यहां देखो ध्यान देने वाला कॉन्सेप्ट कौन सा, ये वाला, इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को हम थोड़ा फास्ट कर पाए, तो इसको याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कि किसी सर्कम सेंटर अगर किसी ट्रायंगल का ओरिजिन पे है तो उसका ऑर्थो सेंटर कैसे आता है, डायरेक्टली तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट का सम करने पर, ओके बच्चों। ये जो प्रॉब्लम नंबर 30 है, दैट इज आल्सो फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ इस तरह से है, टू सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड ई टच द लाइन, मैं तो डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लो एक सर्किल ये है ना, और एक सर्किल और है, दोनों काटते हैं एक दूसरे को, क्योंकि दो पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से पास हो रहे हैं, ये ए है मान लो और ये है ई, इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों 1, 2 और इसके कोऑर्डिनेट है 2, 1, सही लिखे हमने, बिल्कुल सही लिखे। अब ये दोनों सर्किल एक लाइन को टच करते हैं, ऐसे इधर बना सकते हो, इधर बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक लाइन बना ली मैंने इन दोनों को टच करते हुए, कहाँ टच करते हैं, बी ओ डी पे, ये बी मान लो, ये डी मान लो। इस लाइन की इक्वेशन भी बच्चों अपने को गिवन है, 4x प्लस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी सच दैट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। देखिए अगर मैं ऐसे पैरेललोग्राम बना दूं, ए बी सी डी ऐसे, और सी पॉइंट लेना पड़ेगा मुझे ऐसे पैरेललोग्राम बनाने के लिए, तो ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा ये तुमको कैलकुलेट करने हैं, ये क्वेश्चन हो गया, बताओ देखो कैसे करोगे। आइए देखिए सोचते हैं बच्चों, देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पे फोकस करते हैं, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल हो गया, इस ए और ई को मिला दो बच्चों, देखिए अकॉर्डिंग टू सिमेट्री जो आप समझते हैं सर्किल में, ये जो लाइन आएगी ए ई, क्या ये बीडी के मिड पॉइंट से पास होगी, ए और ई को मिलाने वाली ये जो कॉर्ड है क्या ये बीडी के मिड पॉइंट से पास होगी, सोच के बताओ जल्दी से। मैं इसको आगे ले जाता हूं और ये ऐसे सी हो गया। हाँ तो बच्चों समझ पाए आप लोग कि ये कैसे हम गारंटी दे सकते हैं कि ये मिड पॉइंट होगा इसका, ट्राई कीजिए। देखिए ज्योमेट्री बहुत बेहतरीन चीज़ है और बहुत मज़ेदार चीज़ भी है, तो आइए देखिए, अगर नहीं कर पाए तो हमारे साथ देखिए। अच्छा बच्चों ये थ्योरम जानते हो आप लोग कि ये एक सर्किल है मान लो ऐसे, और ये इसका टेंजेंट है यूँ, राइट, ये कोई पॉइंट पी से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये कॉर्ड बनाया ऐसे, ये इसको ए और बी पे काटती है, तो पी टी स्क्वायर बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के, करेक्ट, पता नहीं थ्योरम सबको। अब यहाँ देखो ये एम से ये टेंजेंट है, तो आपको नहीं लगता कि जो एम डी लेंथ है इसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए एम ई इंटू एम ए के, इट मस्ट बी एम ई इंटू एम ए, सही हुई। अब यही सारा कार्यक्रम इधर देखो, एम बी ये इस वाले सर्किल के लिए एम बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए एम ई इंटू एम ए के, दैट मस्ट बी एम बी स्क्वायर। तो क्या समझ में आता है इससे कि ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, बस यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में, जैसे आपने ये बात पकड़ ली ना, खत्म हो गया सवाल। तो ये मिड पॉइंट है,
चलो जी बहुत अच्छी बात है, तो हम ये पॉइंट ही निकाल लेते हैं। तो ये क्या, देखो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस लाइन, यानी कि 4x प्लस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन कौन सी, AE की इक्वेशन क्या है। देखो ये दोनों पॉइंट पता है तो इससे पास होने वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। यहां भी क्विक ऑब्जर्वेशन आपकी मदद करेगा, 1 और 2, 2 और 1, यानी कि सीधे सीधे लिख सकते हैं। इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3 या माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बेटा इसको सॉल्व करके आप जल्दी से क्या निकालेंगे, हम पॉइंट टाइम निकाल लेंगे। तो आ जाओ देखो क्विकली क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ देखो रफ कैलकुलेशन, 4x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, और इधर ये हो गई 4x प्लस 8y माइनस 7 बराबर 0। सब्ट्रैक्ट करो जी इसमें से इसको, तो 4y और प्लस के 5 बराबर 0, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों माइनस 5/4। ये माइनस 5/4 अपन यहां डाल देते हैं, तो x का वैल्यू हो गया 3 माइनस माइनस 5/4, कितना हो गया 12 और 5 17/4। ओके ये आंसर नहीं है, ये तो पॉइंट एम है। तुमसे क्या पूछा गया, पॉइंट सी, तो कैसे आएगा, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से। अल्फा प्लस किसका मिड पॉइंट है, ये एसी का, ये भी तो डायगोनल है, तो अल्फा प्लस ए यानी अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो होना चाहिए बच्चों 17/4, और बीटा प्लस 2/2 होना चाहिए वाल को कितना, माइनस 5/4। तो चलो जी सिंप्लीफाई करो जल्दी से और वैल्यू बताओ कि अल्फा बीटा कितना आया। तो देखिएगा अल्फा ये हो गया 17/2, उसमें से 1 घटा लो तो 15/2। ओके ये हो गया माइनस 5/2, उसमें से 2 घटा लो, माइनस 5/2 माइनस 2, माइनस 5/2 माइनस 2, माइनस के 9/2। तो ये होना चाहिए पॉइंट सी। अभी जल्दी से देखते हैं कि ये किसी ऑप्शन में है भी या कोई मिस्टेक हो गया हमसे, तो डेफिनेटली होना चाहिए भी। ये तो पहला ही आंसर है 15/2 माइनस 9/2, दैट्स ऑल। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ज्योमेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट है ठीक। देखो ऐसा ही कॉन्सेप्ट 2019 के क्वेश्चन में आया था, उसमें क्या था कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे थे, ऐसे क्वेश्चन था, दो सर्किल है एक दूसरे को टच करते हैं ऐसे, राइट, और ये इनकी कॉमन टेंजेंट हो गई और ये वाली कॉमन टेंजेंट हो गई, ये यहाँ पे कट कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहा था वो तो हम कर ही लेंगे, बट आप ध्यान दीजिए ये भी मिड पॉइंट होगा इसका। कारण देखो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होना चाहिए, दोनों टेंजेंट है, और ये लेंथ भी बराबर होनी चाहिए, दोनों टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है ये। ओके और ये मिड पॉइंट भी हो गया ऐसे, ठीक। यहां भी आपने देखा हमने कैसे प्रूव किया कि मिड पॉइंट है। देखिए सर्किल पे जो है आईआईटी जेई वालों की खास आदत है, सर्किल के जो क्वेश्चन देते हैं ना वो मोस्टली ज्योमेट्री बेस्ड देते हैं, जिसमें आप इस तरह की थ्योरम्स यूज करके उसको बहुत जल्दी कर सकते हो। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे सर्किल पे बेस्ड, तो आप पाओगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ज्योमेट्री बेस्ड है, जिसमें ज्योमेट्री लगाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, और हम ज्योमेट्री से ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको। चलिए फिर आगे अगले सेक्शन में भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह पे सवाल करते रहेंगे बच्चों। तो आई होप आप लोगों ने लाइक कर लिया होगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और भी कोई परेशानी हो आपको, कोई डाउट हो या कोई सजेशन देना चाहें आप, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई विशेष हेल्प चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प की जाए। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय।